नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जिला सहाजापुर के थाना कोठार के अंतर्गत ग्राम पंचायत महुआ पिमई में सर्वेश कुमार पुत्र रामचंद्र की बेटी चाय बनाने के लिए घर में रखे सिलेंडर पर चाय रखकर बाहर चली आई, तभी अचानक उसे घर से लपटे नजर आए, तभी देख सबके होश उड़ गए। जब तक लोग मौके पर पहुंचने वाले ही थे कि अचानक सिलेंडर भी फट गया, तब तक चारों लोगों के सामान भी जलकर राख हो गए थे, जिसमें सर्वेश पुत्र रामचंद्र के घर में धान, गेहूं, फ्रिज, टीवी, पंखे, घरेलू सामान और 12,000 रुपए सहित पहनने वाले कपड़े भी जलकर हुए राख, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। राजा राम पुत्र रामलाल का घरेलू सामान धान, गेहूं, 10,000 रुपए की नकदी सहित 85,000 का सामान जलकर खाक हुआ है। हरिराम पुत्र मेकू लाल का घरेलू सामान व खाने पीने की चीजें, 5,000 की नकदी सहित 85,000 का सामान जलकर खाक हो गया। राजेश पुत्र नेवा राम के घर में कूलर, पंखा, टीवी, धान, गेहूं, घरेलू सामान 10,000 की नकदी सहित लाखों रुपए का सामान हुआ जलकर खाक। गरीबों के पास पहनने के कपड़े तक नहीं रहे, ऐसा बरसाया जा रहा है कि आग के कहर, जिससे ग्रामीणों ने 112 पर शिकायत दर्ज कराई। मौके पर पहुंची 112 पुलिस टीम के पहुंचते ही फायर ब्रिगेड टीम को फोन कर सूचना दी गई। तब तक ग्रामीणों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया, मगर काफी देर से पहुंची फायर ब्रिगेड टीम का ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए अजय त्रिवेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है साहब आपका? ये आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी? सर्वर मास्टर के हाथ लगी, गैस लगी, पता ना किससे लगी। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।